अगला न्यूज के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रिया तोमर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। नए साल के लिए नैनीताल यातायात मास्टर प्लान हुआ तैयार। हल्द्वानी के मंदिर में अधिकार जमाने के मामले ने तूल पकड़ा। कोविड के मद्देनजर उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग की तैयारी तेज। खटीमा पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। जगह जगह धूमधाम से मनाया गया क्रिसमस। किच्छा में यूथ कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश महासचिव का जोरदार स्वागत। अल्मोड़ा में जगह जगह लगाए जा रहे हैं प्रशिक्षण शिविर। अब खबरें विस्तार से। 31 दिसंबर और नए साल की छुट्टियों को लेकर सरोवर नगरी नैनीताल सहित पूरे जिले के विभिन्न पर्यटक स्थलों पर लाखों सैलानी पहुँचते हैं, जिस दौरान पुलिस के लिए भी यातायात व्यवस्था को सुगम रखना एक बड़ी चुनौती बन जाता है। जिसके चलते इस साल 5 दिन पूर्व ही पुलिस प्रशासन द्वारा अपना मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया है। दूरदराज से आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए काराढूंगी हल्द्वानी के सभी एंट्री पॉइंट पर यातायात पुलिस मौजूद रहेगी और डायरेक्शन देगी। और यह मास्टर प्लान पूर्व में आई पार्किंग और जाम की समस्या को देखते हुए ही बनाया गया है। देखने वाली बात यह होगी कि आखिर इस साल यह मास्टर प्लान कितना कारगर साबित होता है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। ये आदेश करवाना है आज में। हेलो हेलो। और अत्यधिक दबाव की स्थिति में बरेली रोड रुद्रपुर की ओर से आने वाले वाहनों को कालाढूंगी रोड से होते हुए नैनीताल की ओर को भेजा जाएगा। ये डिटेल प्लान हम सोशल मीडिया पे डाल चुके हैं, समाचार पत्रों में प्रकाशित करवा रहे हैं। सभी से अनुरोध है जो भी नैनीताल इस समय आ रहे हों उस इस ट्रैफिक प्लान का अध्ययन जरूर कर लें और किसी भी असुविधा से बचें। साथ में ये भी अनुरोध करना है कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी और अन्य पुलिसकर्मी इस ड्यूटी के लिए काफ़ी संख्या में लगे होंगे, कृपया उनका सहयोग करें, उनके साथ अनावश्यक बहस ना करें। आपकी सुविधा के लिए, सुरक्षा के लिए नैनीताल पुलिस लगातार ड्यूटी रहता है। हल्द्वानी में इन दिनों हीरानगर स्थित पर्वतीय संस्कृति उत्थान मंच में स्थापित न्याय के देवता कहे जाने वाले गोलजू मंदिर में अधिकार जमाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। समिति ने प्रेस वार्ता कर बताया कि कुछ लोग गोलजू मंदिर परिसर में भगवान शिव का मंदिर बनाकर अधिकार जमाने की कोशिश कर रहे हैं और हेलो पर्वतीय संस्कृति एवं लोक मान्यता के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, जिसका समिति पुरजोर विरोध कर रही है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। प्रति समाज के लोगों ने एक प्रति सांस्कृतिक उत्थान मंच के नाम से एक संस्था बनाई और सरकार ने हीरानगर में एक हमें जमीन दी और 40 साल पहले गुलजू का मंदिर यहाँ पर उसकी स्थापना की गई। लेकिन बहुत समय से कुछ लोग इस मंच पर कब्जा करने की साजिश करते हो और कभी कुछ चलाते हैं, कभी कुछ चलाते हैं। अभी उन्होंने एक विवाद खड़ा कर दिया कि गुलजू के मंदिर के बगल में शिव जी का मंदिर बनेगा, लेकिन पर्वतीय समाज के लोगों का मानना है कि जहाँ गुलजू के मंदिर होते हैं शिव जी का मंदिर वहाँ होता नहीं, एक मंदिर ऑलरेडी है। हमने कहा कि भाई इस मंदिर में आइए, इसमें पूजा पाठ करिए और इसमें कोई ऐतराज़ तो है नहीं, लेकिन वो विवाद खड़ा करके ये कोशिश करते हैं कि हम मंच की ज़मीन में जबरदस्ती बैठे हुए हैं और कब्जा किए हुए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आपके संज्ञान के लिए मैं बता दूँ, संस्था में कोई किसी तरह का विवाद नहीं है और यहाँ के हल्द्वानी की प्रबुद्ध जनता में भी कोई इसके लिए दूसरी राय नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनको असामाजिक कह दे तो कोई बुरी बात नहीं है। वो आकर के मंदिर प्रांगण में, जो हमारा गुरु का मंदिर प्रांगण है, उसमें अपना अधिकार जमाना चाहते हैं, एक मंदिर बना के ताकि हमारा अधिकार हो जाए। लेकिन ये हमारी परंपरा, हमारे उत्तराखंड के गुरु देवता की उसकी परंपरा है कि गुरु देवता न्याय के देवता हैं और न्यायाधीश के अगल बगल किसी देवता का मंदिर नहीं होता। राजकीय मेडिकल कॉलेज देहरादून के बाद अब प्रदेश सरकार 3 मेडिकल कॉलेजों में भी कोविड संक्रमित सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग लैब स्थापित करने की तैयारी में है। इसके लिए सरकार ने नेशनल सेंटर फॉर डिजिट कंट्रोल दिल्ली से पंजीकरण की अनुमति मांगी है। उत्तराखंड के स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर सहजा भट्ट ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए विशेष बिंदुओं पर प्रकाश डाला। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। जीनोम सीक्वेंसिंग का कार्य होता है, जल्दी ही अल्मोड़ा और श्रीनगर मेडिकल कॉलेज भी इस पर शुरू कर देंगे। अल्मोड़ा तो लगभग तैयार है, श्रीनगर से बात हो रही है, तो ये हमारे मेडिकल कॉलेज भी इस पर काम कर रहे हैं और जैसे ही उनको सर्टिफिकेट मिल जाता है वहाँ पर जीनोम सीक्वेंसिंग शुरू हो जाएगी। हाँ, लोगों से अपील ये है कि मास्क लगाना फिर से शुरू कर लें ताकि बचाव हो सके
और वैक्सीनेशन कराएं। बाकी जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उस पर ध्यान दें, बार बार हाथ धो लें और सैनिटाइज़र का भी उपयोग कर सकते हैं, वरना साबुन और पानी से भी हाथ बार बार धोए जा सकते हैं, ताकि हमें इन्फेक्शन के चांसेस कम से कम। चिंता की कोई बात नहीं, नहीं चिंता की भी कोई बात नहीं। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों की शहादत के लिए बलिदान दिवस के अवसर पर आज सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा के मुख्य बाजार स्थित गुरुद्वारे पहुंचे और माथा टेक श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही आने वाली पीढ़ियों को उन वीरों से सीख लेने की बात कही। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। श्री हर कृष्ण देश के अंदर दशमेश गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों का बलिदान बहुत बड़ा बलिदान था और देश के अंदर लंबे समय से इस बात की मांग उठती रही है कि उनके बलिदान को पूरा देश जाने, भावी पीढ़ी जाने, उसके लिए काम होना चाहिए था। देश के इतिहास में बहुत पहले से ये काम होना चाहिए था लेकिन नहीं हो पाया। यह काम भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का जो निर्णय लिया है, देश के अंदर जो आज 26 दिसंबर को अनेकों कार्यक्रम गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों के बलिदान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, निश्चित रूप से यह आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वह भली भांति उनको स्मरण करेगी, उनसे प्रेरणा लेगी कि धर्म के लिए बलिदान होने वाले, धर्म के लिए अपना त्याग करने वाले, तमाम प्रकार की जो क्रूरता और अत्याचार सहन करने वालों का नाम हमेशा अमर रहेगा। भारत में कोरोना के नए वेरिएंट के आने के बाद से उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले का प्रशासन अलर्ट मोड पर आ चुका है, जिसके चलते रुद्रपुर जिला चिकित्सालय, काशीपुर एवं खटीमा में उप जिला चिकित्सालय अब कोविड वार्ड तैयार कर दिए गए हैं। इसी के चलते जिला चिकित्सालय और मेडिकल कॉलेज में संक्रमितों के लिए 548 पदों का इंतजाम किया जा चुका है और जनपद में आरटीपीसीआर एवं रैपिड एंटीजन टेस्ट भी अब शुरू किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। हमारे जो कोविड केयर सेंटर्स हैं या डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स हैं वो रेडी स्टेज पे हैं। प्रॉपर आईसीयूज हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स और ऑक्सीजन प्लांट्स हमारे पास मौजूद हैं, दवाइयों का पर्याप्त स्टॉक है। अगर कभी भी इस तरह की अगर ज्यादा केसेस अगर आते हैं तो उनके इलाज की पूरी व्यवस्था हमारे पास मौजूद है। 25 दिसंबर को देश में जगह जगह क्रिसमस के तौर पर मनाया जा रहा है, उसी का एक नजारा हमें देखने को मिला खटीमा के मझोला पुलीगंज पवित्र परिवार चर्च में, जहां ईश्वर के समक्ष प्रेयर कर लगभग 500 लोगों ने कार्यक्रम में शिरकत की और एक दूसरे को क्रिसमस की बधाई दी। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। हम बाइबल के इतिहास के अनुसार हम देखते हैं कि जब पुराने हमारे आदि माँ बाप ने पाप किया था तो उस समय पिता परमेश्वर ने उनसे एक वादा किया था कि मैं एक मुक्तिदाता को भेजूंगा और पिता परमेश्वर का वो वादा प्रभु यीशु के द्वारा पूरा हुआ और वो इस दुनिया में आए और उन्होंने एक हमें नया संदेश, नया रास्ता दिया जीवन जीने का। उन्होंने सबसे बड़ा रास्ता उन्होंने हमें सिखाया है एक प्रेम का और एक सेवा का, तो इसीलिए हम बड़ी खुशी से आज का यह दिन मनाते हैं और सभी भाई बहनों को भी इसमें शामिल करने का प्रयास करते हैं कि सभी प्रभु की शिक्षा को अपनावें और समाज में, घरों में और पूरे देश में, विश्व में शांति फैलाएं। उत्तराखंड यूथ कांग्रेस के नवनिर्वाचित प्रदेश महासचिव तस्लीम सलमानी का किच्छा में जोरदार स्वागत कर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वागत कार्यक्रम की अध्यक्षता कांग्रेस किसान नगर अध्यक्ष उपेंद्र चौधरी बबलू ने की और इस दौरान कार्यकर्ताओं में भी उत्साह दिखाई दिया। प्रदेश महासचिव ने भी सभी कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों का आभार व्यक्त कर संगठन के हित में कार्य करने का भरोसा दिलाया। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। हमारे जो यूथ कांग्रेस का चुनाव चल रहा था उसमें मैं प्रदेश महासचिव निर्वाचित होकर आया हूँ और जितने युवा साथियों ने जिसने सबने मेरा सहयोग किया है उन सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ और पार्टी नेतृत्व का भी आभार व्यक्त करता हूँ जिसने चुनाव प्रक्रिया से मेरे ऐसे एक छोटे कार्यकर्ताओं को आने का मौका दिया है।
इलेक्शन होने के बाद तभी चुन के आए थे। तो ये अच्छी पब्लिक पार्टी है जिसमें गरीब से गरीब जिसने अच्छी सदस्य किया उसे मौका मिलता है। अब ये जो पद इन्होंने चुन के आए हैं, अब इनका दायित्व होता है, इनकी सोच होनी चाहिए कि ये कोई ऐसा नहीं कर रखा आप लोगों ने, ये आपकी पहचान के लिए आगे बढ़ने के लिए राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए ये एक आपका प्लेटफॉर्म मिल गया। अगर ये अच्छा काम करेंगे निश्चित तौर पर इन्हीं लोगों में से वार्ड मेंबर क्या आते हैं, आपके विधायक आपके क्या आते हैं प्रदेश में वरिष्ठ पीसीसी में समाने का मौका मिलेगा, मैं ये कहना चाहता हूँ। उत्तराखंड पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन अल्मोड़ा के तहत लगातार प्रशिक्षण शिविर लगाए जा रहे हैं, जिसमें सर्दी के मौसम के दौरान ठंड से बचाव के लिए पुलिस परिवार की महिलाएं पुराने कपड़ों से गर्म स्लीपर एवं सॉक्स बनाने की प्रक्रिया का प्रशिक्षण ले रही हैं। यह शिविर डॉक्टर अलकनंदा अशोक अध्यक्ष उत्तराखंड पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन उत्तराखंड एवं जिला अध्यक्ष ऋतु राय के मार्गदर्शन में चलाया जा रहा है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। नमस्कार, मेरा नाम प्रेमा आर्या है, मैं पुलिस लाइन महिला कल्याण केंद्र में नियुक्त हूँ। आज मैं महिलाओं को ये वेस्ट जो आपको कपड़े दिखाई दे रहे हैं, जीन्स या जैसे भी आपके घर में वेस्ट कपड़े हैं, उनसे आप अपने बच्चों के लिए सर्दी। कहाँ हैं सब लोग, शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का, बस कल से चाय, कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन को करीब। रामनगर वन विभाग के अंतर्गत पड़ने वाले पर्यटन जोन सीतावनी में विभागीय अधिकारियों द्वारा जिप्सी वाहनों की संख्या लिमिटेशन किए जाने के विरोध में क्वार्टर जिप्सी वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में पिछली 28 नवंबर से जिप्सी स्वामी एवं चालक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एसोसिएशन अध्यक्ष ने कहा कि अधिकारियों द्वारा सिर्फ आश्वासन किया जा रहा है परंतु कोई परिणाम निकल कर नहीं आ रहा, जिससे जिप्सी चालकों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। संवाददाता कैलाश्वेल की रिपोर्ट। का एक वो है क्योंकि हम लोगों को आश्वासन दिया गया कि समाधान नहीं निकला हमारा सीतावनी के विषय में, ठीक है ना। देखो जैसा कि आपका पत्रकार महोदय आप सभी को पता है, यहाँ पे हमारा लगातार 28 तारीख से नवंबर से धरना चलता हुआ आ रहा है, आज हमारा धरने का जो है 29वां दिन है। तो अभी बीच में हम लोगों को आश्वासन दिया गया था आर ओ शेखर तिवाड़ी जी द्वारा, हमारे धरने स्थल पर आए तो उन्होंने यहाँ पे मौखिक रूप से हमसे कहा था कि हम जो ये क्राउड चलेगा तो उसमें हम आपका समस्या का समाधान निकालेंगे और जब क्राउड के टाइम में हम गाड़ियाँ यहाँ पर बढ़ा देंगे आपके लिए या जो भी हमारा वो रहेगा। तो उन्होंने अभी फिलहाल हम लोगों को कोई भी आश्वासन में अभी खरे उतरे नहीं है, तो आज इसी के चलते हम लोगों ने ये अपना एक शांतिपूर्ण तरीके से अपने जिप्सी संचालक और जिप्सी में ये काले रिबन बांध के अपना विरोध जाहिर करा है यहाँ पे, क्योंकि आज के टाइम में ये हो रहा है सीतावनी में इतनी परेशानी आ रही है, हमको अगली बुकिंग पकड़ने में हम डर रहे हैं क्योंकि पैसा अगर हमने किसी गेस्ट से ले लिया तो वो हमारे ऊपर डिपेंड रहता है, क्योंकि लोग इतनी दूर दूर से यहाँ पर आ रहे हैं, गुजरात से, मुंबई से, महाराष्ट्र से, दिल्ली से, तो कहीं ना कहीं है कि हमारे टूरिज्म के खिलाफ यहाँ पर सीतावनी जोन के विषय से ये टूरिज्म निराश होकर जा रहा है यहाँ पर, और ये आने वाला संकेत है कि टूरिज्म यहाँ पर निराश होकर जाएगा जैसा चल रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये निराशाजनक हाथ होनी लगेगी और हमारा ये कहीं ना कहीं देवभूमि उत्तराखंड रामनगर कॉर्बेट नेशनल पार्क तो इसका नाम बदनाम होगा। मैं गौरव दिल्ली से आया हूँ। किस प्रकार की दिक्कतें हो रही हैं? दिक्कत वही हो रही है कि आप यहाँ पर गाड़ी लिमिट कर दी है आपने, तो उसके चक्कर में अब हम दो घंटे चार घंटे की वेट चल रही है। ड्राइवर भी हमारा बेचारा घंटे से लगा हुआ है कि मैं परमिट लाता हूँ देखता हूँ, उसको भी ढूंढना पड़ रहा चारे को। मतलब इस तरह से लाजमी नहीं है ना ये कि आप बंदे को तंग करो यहाँ पे आके और आप लिमिट कर दो इस चीज़ के ऊपर कि बिल्कुल हम लिमिटेशन दे देंगे। अभी दिक्कत ये है कि पहले ऑनलाइन बुकिंग्स होती थी, अब ऑनलाइन बुकिंग्स नहीं है, तो फिर अब यहाँ पे इनके पास पास नहीं है अंदर जाने के लिए। अब आधा पौना घंटा हो चुका है मुझे यहाँ वेट करते हुए, अब मुझे नहीं पता वेदर आई विल गो और आई हैव टू रिटर्न बैक टू दिल्ली। सीमांत क्षेत्र खटीमा ब्लॉक में क्षेत्र पंचायत सदस्य को नहीं मिले खंड विकास अधिकारी तो क्षेत्र पंचायत सदस्य धरने पर बैठे। ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख ने पूरे मामले की जानकारी दी और बताया कि 24 दिसंबर को हुई मीटिंग को खंड विकास अधिकारी द्वारा स्थगित करने से यह बात आगे बढ़ गई और गुस्साए क्षेत्र पंचायत सदस्य धरने पर बैठ गए। संवाददाता कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। बढ़ने का मुख्य कारण यह है कि वीडियो साहब द्वारा अचानक 23 तारीख को एजेंडा हमें दिया गया, जिसकी 24 तारीख को यहाँ पे त्रिस्तरीय पंचायत समिति के द्वारा बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें कि मुख्य रूप से जो उप समितियाँ हैं उनका पुनर्गठन करना का कारण बताया गया है।
जो वैसे ही न्याय संगत नहीं था कि मात्र 23 घंटे पहले हमारे सुदूर दूर दराज के गांवों के जो बीडीसी सदस्य हैं उनको ये सूचना पहुंची, तो किसी तरीके से वो लोग यहां पे पहुंचे, इकट्ठा हुए, कोरम पूरा होने के बावजूद यहां पे बीडीओ साहब द्वारा अग्रिम कार्रवाई नहीं कराई गई, जिससे कि कुछ सदस्य यहां पे छोड़ के चले गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पे कोरम पूरा था, तो बीडीओ साहब द्वारा यहां पे अग्रिम कार्रवाई लिखित कार्रवाई नहीं कराई गई। तो हमारा ये कहना है कि सभी सदस्यों का आक्रोश व्यक्त है और सबका यह कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह क्षेत्र में इस तरह की तानाशाही ये जो यहाँ पर प्रशासन कर रहा है, तो हम तो ये सभी की ओर से ये कहना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसमें संज्ञान लें कि उनके गृह क्षेत्र में यहाँ पर ब्लॉक प्रशासन, पुलिस प्रशासन जो इस तरीके के यहाँ पर तानाशाही पूर्ण रवैया अपना रहा है वो गलत है। कुमाऊं विश्वविद्यालय के सबसे ज्यादा छात्र संख्या वाले एमबीपीजी कॉलेज हल्द्वानी की नवनिर्वाचित छात्र संघ अध्यक्ष रश्मि लंगड़िया के विजय जुलूस को प्रशासन ने निकालने से पहले ही रोक दिया। वहीं इस मामले ने तूल पकड़ लिया, जिसके चलते प्रशासन को पूरे पुलिस में को अलर्ट करते हुए जुलूस को रोकना पड़ा और सैकड़ों छात्र छात्राओं को कार्यक्रम बैंक्वेट हॉल पहुँचने से पहले ही रोक दिया गया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जिस प्रकार हमने देखा एमबीपीजी महाविद्यालय में एक निर्दलीय छात्रा प्रत्याशी ने इतिहास रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज गई और सत्ता पक्ष के प्रत्याशी एबीपी के प्रत्याशी को जिस तरह से बुरी तरह से पटकनी थी उसके हार का बदला लेने के लिए आज सरकार पूरी तरह से तानाशाही पर उतारू हो गई है, छात्राओं का दमन करने पर उतारू हो गई है। जिस प्रकार देखा कि पूरा यहाँ पर बैंक्वेट हॉल के बाहर प्रशासन इस तरह से यहाँ पर पूरी तरह से छावनी पर बदल गया था, पूरी तरह से छात्र छात्राओं को दबाने की कोशिश की जा रही है, परंतु छात्र छात्राओं के दबाव और छात्र शक्ति को देखते हुए प्रशासन ने अंततः जाने की अनुमति दी छात्र छात्राओं को। ये एमबीपीजी कॉलेज छात्र संघ का चुनाव हुआ था और आज बिना अनुमति के इनके द्वारा इस स्थान से बैंक्वेट हॉल से जो है जुलूस निकालने का कार्यक्रम था, इनके द्वारा अनुमति नहीं ली गई थी या छात्रों के द्वारा, लिहाजा ये जो है विजय जुलूस को यहीं पर रोक दिया गया। झारखंड राज्य में स्थित समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने का विरोध तेजी से हो रहा है, उसी का एक नजारा हमें देखने को मिला उधम सिंह नगर के रुद्रपुर कलेक्टर ऑफिस से, जहां जैन समाज के शुभम संदेश जैन तथा उनके साथ समुदाय के कई लोगों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की बात कही। उनका कहना है कि पर्यटन स्थल घोषित करने से वहां तरह तरह की गतिविधियां भी बढ़ जाएंगी। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। जैन समाज का एक सबसे तीर्थ है शिखर जी, उसके लिए वहाँ से हमारे 20 तीर्थंकर मोक्ष गए हैं और वो जैसे आम, जैसे अयोध्या है, काशी है या वैष्णो देवी है, जहाँ सारी पवित्रता है, जैन समाज के लिए वो सबसे पवित्र स्थान है। और हम जो सरकार का निर्णय है उसको पर्यटन स्थल घोषित करने का, उसकी पवित्रता खत्म हो जाती है, तो पूरे देश का जैन समाज इसके बारे में एक विरोध कर रहा है कि उसको एक धार्मिक स्थल बना रहना चाहिए, उसको पर्यटक स्थल या उसको बाकी कुछ नहीं होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुरागिला न्यूज के साथ। धन्यवाद।